और कॉमनवेल्थ गेम में जिस तरह म्यारे पहलवानों ने दनादन पदक जीते हैं, उससे तो देश भर में आपको बताते चले कि कुश्ती का मतलब ही हरियाणा कर रखा है। पहलवानों ने मेडलों की छड़ी लगा दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के पहलवानों ने पहलवानी में पदकों की झड़ी लगा दी है। ओलंपियन रवि धैया, विनेश फोगाट पहलवानों से तो गोल्ड की उम्मीद थी ही, मगर नवीन कुमार मलिक, पूजा गहलावत और दीपक नेहरा जैसे पहलवानों ने भी गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर हरियाणा की माटी की महक को विश्व भर में फैला दिया है, जो पहली बार इतने बड़े मुकाबले में उतरे थे। मात्र 5 घंटों में ही एक के बाद एक मारे पहलवानों ने 3 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज देश की झोली में डाल दिए। पूरे देश ने 2 दिन में खेलों की दुनिया में हरियाणा का जलवा और यहाँ के दूध दही का दम देख लिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में सोना, चांदी, रजत पदक जीतकर हरियाणा को मालामाल कर रहे प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार सम्मानित करेगी। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने शनिवार को घोषणा की कि सभी मेडल विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। इस बीच सीएम मनोहर लाल ने भी सभी पदक विजेताओं को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अपनी पॉलिसी के अनुसार सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद इनाम राशि देगी। मेडल के हिसाब से पहले से हमारी पॉलिसी है, सबसे ज्यादा इनाम हरियाणा की ओर से ही दिए जाते हैं, चाहे कोई और स्टेट हो, चाहे कोई दुनिया के देश हो, सब देश और सब स्टेटों से ज्यादा हरियाणा के इनाम हैं। जो भी गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, ब्रॉन्ज के लेके आ रहे हैं, सिल्वर के लेके आ रहे हैं, सबको इनाम मिलेंगे। और हमने तो बल्कि जो 4थे स्थान पर आते हैं उनके लिए इनामों की घोषणा की है, और इन सबको जो मेडल लेकर के आते हैं उनको यथा योग्य जैसा जिन पॉलिसी है उसके हिसाब से उनको नौकरियां भी मिलेंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में पूरे देश में अब तक 15 गोल्ड मेडल आ चुके हैं। भारत ने गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में 66 पदक जीते थे। देखना होगा कि भारत पिछले आंकड़ों को पार कर पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। और भारतीय पहलवान पूजा गहलोत ने कॉमनवेल्थ गेम में कांस्य पदक जीतने के बाद रोते हुए माफी मांगी थी, और उनका कहना था कि वो चाहती थी कि जब उन्हें पदक मिले तो राष्ट्रगान बजना चाहिए, यह तभी संभव था जब वो स्वर्ण पदक जीत जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूजा कांस्य पदक ही जीत पाई हैं और पदक लेने के बाद उन्होंने रोते हुए माफी मांगी है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए सांत्वना दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि आपका पदक जश्न मनाने के लिए है, ना कि माफी मांगने के लिए। सर, मैं सेमीफाइनल कुश्ती हार गई थी, बहुत दुख है, और मैं देशवासियों से माफी मांगती हूँ कि विश थी कि मैं यहाँ राष्ट्रगान बजाऊं, बट सर अभी तो ब्रॉन्ज ही मिल गया। सर मैं कुश्ती में जो गलती हुई उस पर काम करूंगी, बस यही है कि लास्ट में हार गई, इस पर मुझे जरूरत है काम करना।